हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी आज का इसी पे आधारित है, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इस कहानी को जल्द से जल्द शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वो मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि ये कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना पसंद करते। मतलब कहने का अर्थ वो क्या कर रहा था, ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता है। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पे पानी दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से अपने आप से। फिर बाद में उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है उसके पास। इस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधा लगा सकते हो। वो चला गया दोस्तों। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पे ऐसा हो और आपको वो सोर्स मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो? इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वो परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वो ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियों बदले और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मोटिवेशनल स्टोरी में नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।